तो मैं क्या करते अकाली, एक ही पल में सब खत्म कर दे। मैं सब ठीक कर देगा, थोड़ा समय तो कर दे। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मेरी रूह है, मेरी जिंदगी। नायरा फना हुई, नायरा टूट गया। कार्तिक अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मेरी रूह है, मेरी जिंदगी। नायरा छूट गया मियां बीवी का साथ। एक बात पूछनी थी, क्या तुम उस रात उस आदमी के साथ थी? स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है ऐसा ट्विस्ट जो बदल देगा कार्तिक और नायरा की जिंदगी को। जी हाँ, बहुत जल्द नायरा हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जाने वाली है और इस बात से अनजान दोनों मियां बीवी इस भीगी बरसात में प्यार के लम्हे बिता रहे हैं। दोनों भीग चुके हैं, दोनों अपने रूम में आए हैं जहाँ पे छोटा सा रोमांटिक सा मोमेंट होने जाता है, लेकिन नायरा कार्तिक को रोक देते हैं बिकॉज़ शी इज नॉट श्योर अबाउट हर प्रेगनेंसी। एक ओर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर नायरा को डाउट है तो दूसरी ओर कार्तिक के दिमाग में शक पनप रहा है नायरा और मिहिर को लेकर। वैसे घर पर छाई अशांति के चलते नायरा की दादी सास ने रखी है शांति पूजा, जहां पर नायरा बेताब है अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जानने के लिए। वो बस मौका ढूंढ वहां से निकल जाती हैं डॉक्टर से मिलने और वापस आकर जैसे ही कार्तिक को वो गुड न्यूज देने जाती है तो वहां दादी आकर उन्हें पूजा के लिए ले जाती है। उसके दिमाग में तो वही चल रहा है कि एक बार डॉक्टर अगर क्लियर कर दें तो वो कार्तिक को बता देगी, और वो ना एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो कार्तिक को बता देगी और फिर जो भी होगा साथ में ही देखेंगे। पर उसी टाइम दादी बुला लेती है, वो बात वहाँ पे अधूरी रह जाती है। भाई नायरा की इस बेचैनी ने तो कार्तिक का शक और बढ़ा दिया है, और उसका शक तब और बढ़ जाता है जब पूजा के दौरान कार्तिक को मिहिर की गर्लफ्रेंड मिताली का फोन आता है। मिताली जो भी उन्हें बोल रही है नायरा और मिहिर को लेके, वो सब कार्तिक के दिमाग में चल रहा है, हवन हो रहा है शांति के लिए, और उस हवन में उस हवन के बीच कार्तिक को मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आ रहे हैं मिताली के, वो उन्हें वहाँ पे कुछ बताती है जिसकी वजह से कार्तिक बहुत ही अलग सोन में चले जाते हैं। हमारी मानिए नायरा, तो आप जल्द से जल्द अपनी प्रेगनेंसी की बात कार्तिक को बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। प्रियांशु झा, मुंबई, आज तक।